हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हिंडो के ग्रैंड आई10 नियोस। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर मिलती है, ये गाड़ी कौन कौन से इंजन में ऑप्शन में अवेलेबल है, गाड़ी में क्या खासियत है और गाड़ी की प्राइस क्या है, माइलेज क्या है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप गाड़ी को फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से देखने में काफ़ी गाड़ी एक स्पोर्टी है, प्रीमियम टाइप की लगती है। वहीं अगर हम इसके हेडलैम्प की बात करें तो इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं। वहीं अगर आप DRL की बात करें तो और सब में आप देखते होंगे कि DRL जो होती है वो लाइट के ऊपर या नीचे होते हैं, लेकिन इसमें आप देखिएगा बम्पर में बूम रैंक की DRL दी गई जो काफ़ी एक अच्छी देखने में लगती है। वहीं अगर इसकी आप बम्पर की बात करें तो बम्पर भी काफ़ी स्पोर्टी लगती है और इसमें भी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं। वहीं अगर आप गाड़ी को फ्रंट से बोनट में देखेंगे तो इसमें कर्व जो दिए गए जो लाइनिंग की गई इससे भी गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी देखने में लगती है। अगर आप गाड़ी को साइड से देखेंगे तो साइड से भी गाड़ी देखने में काफ़ी एक स्पोर्टी है, प्रीमियम लगती है। वहीं अगर आप इसके डोर हैंडल की बात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्रोम डोर हैंडल दी गई है जो काफ़ी एक अच्छी लगती है। वहीं अगर इसके टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको 14 इंच के टायर अवेलेबल कराए गए। वहीं अगर टायर की बात करें तो 175/16 R15 की इसमें टायर दिए गए। वहीं अगर इसमें आपको देखिए तो इसमें ABS है, ABS भी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी इसमें प्रोवाइड आपको कराई गई है। वहीं अगर इसके हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको ये 165 की ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड कराई गई। वहीं अगर रूफ में देखेंगे तो 14 इंच के लिए इसमें आपको एक स्पोर्ट दी गई है, लाइनिंग दी गई है जो काफ़ी एक अच्छी लगती है। तो चलिए गाड़ी को फ्रंट से साइड से तो जान गए, अब चलिए गाड़ी को पीछे से भी जानते हैं कि गाड़ी कैसे पीछे से देखने में लगती है। तो चलिए गाड़ी को पीछे से जान लेते हैं। पीछे से आप गाड़ी देखेंगे तो इसमें आपको डिफोगर भी प्रोवाइड कराई जाती है और इसमें आपको वाइपर भी, बैक वाइपर भी दिया गई है और सेफ्टी के लिए इसमें पार्किंग सेंसर और पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। अगर इसके बैक लाइट की देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको थोड़ा टाटा टियागो जैसी लगती है। वहीं अगर आप बम्पर देखेंगे तो इसमें आपको रिफ्लेक्टर भी प्रोवाइड कराई गई है जो काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी अच्छी आप स्पोर्टी एक बैक भी इसकी लगती है। वहीं इसके आप ऊपर देखेंगे रूफ में तो शार्क फिन एंटीना भी दी गई जो काफ़ी प्रीमियम और अप मार्केट देखने में गाड़ी लगती है। और आपको इसमें ग्रैंड नियोस की आपको बेजिंग दी गई है और ये एस्टा मॉडल टॉप मॉडल सबसे है। तो चलिए गाड़ी को इंटीरियर से भी जानते हैं कि आपको क्या क्या फीचर प्रोवाइड कराएगी। जितनी गाड़ी बाहर से स्पोर्टी है प्रीमियम लगती है उतनी ही अंदर से भी गाड़ी स्पोर्टी है प्रीमियम लगती है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपको 8 इंची की टच स्क्रीन प्रोवाइड कराई गई है जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बड़ी टच स्क्रीन देने वाली। वहीं अगर आप इसकी स्टेयरिंग व्हील भी देखिएगा तो इसमें आपको माउंटिंग कंट्रोल क्रूज सब की इसकी फैसिलिटी दी गई। वहीं आप इसके आगे सेंटर कंसोल देखेंगे जो AC है वो भी काफ़ी अच्छी है। वहीं इसमें आप देखेंगे जो AC वेंट की जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी अलग है। और वहीं आप डैशबोर्ड देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ी सी अलग से ट्रीटमेंट दी गई है जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। वहीं अगर इसके स्पीड मीटर की बात करें तो ये भी थोड़ा अलग है और थोड़ा बेसिक से लगता है, कुछ खास इसमें फीचर उतना नहीं दी गई है। वहीं आप इसके गियर नोब देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी गियर नोब दी गई है। वहीं अगर हम इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन डीजल और पेट्रोल के इंजन के ऑप्शन की प्रोवाइड करते हैं। अगर डीजल इंजन की हम बात करें तो इसमें आपको 1886 cc की इंजन आपको मिलती है जो मैक्सिमम पावर 73.97 BHP की पावर जनरेट करते हैं। वहीं हम टॉर्क की बात करें तो 190.24 Nm की टॉर्क प्रोवाइड कराती है। वहीं अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1197 cc का इंजन मिलती है। वहीं अगर इसके मैक्सिमम पावर की बात करें तो इसमें आपको 81.86 BHP की पावर जनरेट करती है और टॉर्क की बात करते हैं 113.75 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। और गाड़ी काफ़ी एक अच्छी और अपने सेगमेंट में काफ़ी एक अच्छी और स्पोर्टी गाड़ी दिखने में लगती है। और इस वहीं अगर हम माइलेज की बात करें तो आपको डीजल में ये कम से कम कंपनी के क्लेम के हिसाब से 26.2 km की माइलेज क्लेम करती है। वहीं अगर हम पेट्रोल की माइलेज की बात करें तो कंपनी के हिसाब से ये आपको 20.7 किलोमीटर की माइलेज क्लेम कम होती है। वहीं अगर हम प्राइजिंग एक्सपोर्ट दिल्ली के हिसाब से प्राइजिंग की बात करें तो 5.6 लाख के स्टार्टिंग से 8.29 लाख की प्राइजिंग करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे और वीडियो को अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए।